जहन अपूर्वा। हाय हाय जहन, मैं कहना चाह रहा था अपूर्वा, यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन। आई जस्ट यस्टरडे टोल्ड यू दैट मोमेंट आई यू नो टॉक टू यू आई गेट एनर्जाइज एंड आई फील द सेम वे द अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो फील राइट नाउ। सो यू आर काइंड ऑफ पर्सन जिसको लॉ की दुनिया में कुछ करना था, ठीक है? एंड यू स्टार्ट योर जर्नी विद द लॉ विद योर फादर, तो आप कोर्ट में जाया करती थी एंड देन यू फॉल विद द लव एंड देन द लॉ यू नो फॉल विद द लव इज मोर अबाउट द इन्फॉर्मेशन गेम पार्ट। आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना और ये सब बड़ा अच्छा लगता था एंड यू डिसाइड कि कहीं ना कहीं एक ना प्राइड वाली फीलिंग आ रही यूनिफॉर्म को देखकर, दोनों एक साथ मिल जाए ना तो मजा आ जाए, राइट? और इस जर्नी में जैक स्टार्ट हो गई, पर टेल मी ऑनेस्टली हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर देयर, कितने अटेम्प्ट्स हो गए आपके? सेवन 7 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, और सेवन हाउ मेनी रिकमेंडेशंस आर देयर? फाइव। फाइव ऐसा क्या है जैक में कि इतने रिकमेंडेशन लेने पड़ने के बाद भी इंसान ज्वाइन नहीं हो पाता है? अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाश ने। आपने इनको देखा हो 5 टाइम्स रिकमेंडेड है, 5 टाइम्स बहुत बड़ी बात होती है, पर रिकमेंड होने के बाद ये लड़की कोचिंग गई। क्यों गई कोचिंग? ऐसे कई राज आपको इस वीडियो के अंदर पता लगे हैं, और अगर आपकी जैक एंट्री है तो आपको इस वीडियो से काफी फायदा होने वाला है। आप लॉयर हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जब दो लॉयर एक साथ बहस करते हैं तो उनमें एक खास बात होती है, क्या? वो अपनी एक ही बात कई कई बार दोहराते हैं, एक ही बात बोलते रहेंगे, जस्ट आपको कन्विंस करते रहेंगे, वो उनकी आदत होती है। और ये कोई गलत आदत है? नहीं। अगर आप कोर्ट में हैं तो ये कोई गलत आदत नहीं है, आपका काम है भाई अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, उसमें जो लगेगा वो आप करोगे। बट क्या ये आदत एसएसबी के लिए ठीक है या नहीं? भाई ले तो वो एक यू नो जैक एंट्री का बंदा ले रहे हैं, मतलब जैक एंट्री मतलब एक लॉयर, तो लॉयर की तो वर्बोसिटी आदत क्या उनको एक्सेप्टेबल है कि नहीं? देखिए इस सवाल का जवाब ये बेहतर तरीके से दे सकती है। मैंने इनसे सेम बात पूछी कि भाई लॉयर के साथ तो बहुत ही ज्यादा एक ही बात रिपीट करने की आदत होती है जिसको वर्बोसिटी कहा जाता है, तो ये आदत क्या ठीक है? क्या हम इसे यूज कर सकते हैं एसएसबी में? क्या इसका कुछ एक प्लस पॉइंट मिलेगा? इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम इन्हीं के पास है। ओके सो नो द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट यू, यू ऑलवेज टॉक प्रिसाइजली, बट लॉयर ऐसे होते नहीं है, लॉयर घुमा घुमा के बातें करते हैं। बट व्हाट डू यू से अबाउट योर डिफेंस एस्पिरेंट जो यू नो लॉ की तैयारी कर रहे हैं? दे डू नॉट हैव अ हैबिट, दे आर यू नो, मैं दो शब्द बोलूंगा, आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग एनी लॉयर, बट दे हैव अ हैबिट ऑफ वर्बोसिटी एंड बॉम्बासिटी इज देयर इन देयर यू नो स्पीकिंग। सो व्हाट डू यू लाइक टू से ऑन दैट? हाउ इट गोना हेल्प देम? इज देयर एनी वे दे गोना हेल्प देम? नो, सो व्हाट आई वुड से इज दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर एसएसबी, they are not judging you how good you are in law. Okay. They are checking if you have qualities of an officer in you. So, be it from a BTech background or a law background or any other background, it doesn't matter. So, you know, they're judging you on those qualities, not your legal knowledge, not anything else. So that's why you have to be, you don't have time there. You have to be very precise, to the point, accurate. And, you know, it has to be complete, whole. And that's why, like, we lawyers, yes, we have a habit of, you know, even when we are writing answer, then one line, you know, if it is a one line answer, we are going to add like 10 things to it so that, you know, it's just extended. And no, we cannot do that here because there's paucity of time and you can't do that. So when you're coming for a JAG entry, do not think that, you know, you're coming for a JAG entry. Think you're coming just for a plain officer entry and leave everything behind. Everything you know, leave that behind. And just what they ask, you just go with your instincts and you tell them that. That's it. आपकी इनसे मुलाकात कल होगी रात 9 बजे, संडे है, कल संडे को होगी आपकी मुलाकात। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने क्वेश्चन पूछिए। कई लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लव इट। ये लड़की, ये जो पूर्वा है, ये सभी सवालों का जवाब देंगी। बट आपको एक काम करना है कि आप इस वीडियो के नीचे मत दीजिए सवाल, आप दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको एक लिंक दिखेगा, वहां पर जाके क्लिक करिए और वहां पर जाकर आप अपने सवाल पूछिए एंड गिव अ लाइक, 300 लाइक्स बिफोर रिलीज। अगर आप 300 लाइक्स देते हो ना, मोराल बहुत बूस्ट हो जाता है कि यार ये वीडियो लोगों को पसंद आने वाली है, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और लोग चाहते हैं अपने सवालों के जवाब। सो प्लीज गो एंड लाइक एंड आस्क योर क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है,
कल रात आपको 9 बजे मिलेगी एंड आस्क योर क्वेश्चन. एवरी क्वेश्चन इज ट्रीटेड एज अ स्पेशल क्वेश्चन, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन. टेक केयर, बाय बाय. मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है